जैसा कि यार आपको पता है कि इस महामारी के चलते जो है मार्च में अपने इंडिया में जो है कोई भी फोन लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल को लॉकडाउन जो है हट जाएगा उसके बाद में जो है बहुत सारी कंपनियां जो है अपने इंडिया में जो है फोन लॉन्च करने वाली हैं, और यहां पर उसके बाद में कंफ्यूजन बन जाएगा कि कौन सा फोन लेना चाहिए। जो पहले लॉन्च हो चुके हैं वो फोन अच्छे हैं, या फिर जो है रिसेंटली जो अप्रैल में लॉन्च होंगे उनका जो है सेल का वेट करें और वहां पर जो है हम परचेस करें। तो उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग फोन है अप्रैल के अंदर, मतलब जो अप्रैल में लॉकडाउन के बाद में जो फोन लॉन्च होने वाले हैं उनके जो है डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फोन जो है इंडिया में अप्रैल 2020 में 14 अप्रैल के बाद में लॉन्च होंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय, इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कौन कौन से फोन जो है लॉन्च होने वाले हैं, कम से कम 10 फोन है, देखते हैं कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। तो बता दूं यहाँ पे लॉकडाउन खत्म होने के बाद में बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं जो कि है 10 फोन हमारे लिस्ट के अंदर। सबसे पहले है जिसकी डेट भी फाइनल होके आ गई है, 14 अप्रैल को जो है वन प्लस एट, वन प्लस एट प्रो और जो है वन प्लस जेड, मतलब वन प्लस जी या फिर वन प्लस एट लाइट बोल सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही फोन जो है इंडिया में 14 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं। बेसिकली इनका जो वन प्लस का इवेंट है वो ग्लोबली इवेंट होता है, तो अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो है 8:30 बजे जो है यहाँ पे अपने इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। और जिसकी बात करते हैं OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro जो है एक प्रीमियम कैटेगरी का फोन होगा जो कि 5G के साथ में आएगा, और उम्मीद किया जा रहा है OnePlus Z भी जो है 5G हो सकता है जो कि Dimensity 1000 चिपसेट के साथ में आएगा। एंड OnePlus का जो है ये सबसे कम प्राइस का ये 5G वाला फोन हो सकता है जो कि होगा OnePlus Z, मतलब जो है काफी टाइम से वेट किया जा रहा है OnePlus 8 सीरीज का, तो ये शायद जो है काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। सेकंड बात करते हैं जो कि हमें पता ही है Realme अपने Narzo सीरीज को लॉन्च करने वाला था जो कि था यहां पे 26 मार्च को, ये यहां पे महामारी के चलते ये पोस्टपोन हो गया इवेंट। लेकिन जो आपको बता दूं Narzo 10 और Narzo 10A जो है इंडिया में जो है अप्रैल के अंदर लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति हट जाएगी उसके बाद में ही लॉन्च होंगे, मतलब Narzo 10 और Narzo 10A एक 10,000 रुपए के अंदर प्राइस सेगमेंट में ये फोन आने वाले हैं। क्या आपको इसका इंतजार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल का आईफोन 9 और 9 प्लस जो है लॉन्च होने वाला था 31 मार्च को, वही लेकिन पोस्टपोन हो गया इवेंट। अब यहां पर उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे ही ये यहां पर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आईफोन भी जो है अपने 9 और 9 प्लस को जो है इंडिया में लॉन्च करेगा, जो कि काफी कॉम्पैक्ट फोन होगा, और कॉम्पैक्ट होने के साथ में जो है यहाँ पे इसका सेगमेंट होगा वो होगा एक बजट सेगमेंट। अब आईफोन का बजट सेगमेंट आपको पता ही है क्या होता है, तो मतलब यार उसका बजट सेगमेंट तो वही होगा जो कि होगा 40,000-50,000 रुपए। तो देखते हैं यार ये किस प्राइस सेगमेंट में आईफोन 9 और 9 प्लस जो है लॉन्च होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नोबिया भी अपना एक फोन लॉन्च करने वाला था रेड मैजिक के नाम से। रेड मैजिक अब यहाँ पे एक 5G वेरिएंट था जो कि नोबिया का अपकमिंग फोन था। अब उनकी डेट तो हालांकि फाइनल नहीं हुई थी कि कब लॉन्च करेंगे, लेकिन अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये 5G फोन जो कि नोबिया रेड मैजिक अब ये अप्रैल के मंथ में भी लॉन्च होता है। क्या आप वेट कर रहे हैं नोबिया का? क्या आपको पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं Xiaomi के Mi सीरीज की, जो कि Mi 10 अपने इंडिया में लॉन्च होने वाला था 108 मेगापिक्सल के साथ में, जिसकी लॉन्च डेट थी 31 मार्च को लॉन्च होने वाला था, लेकिन वही जो है अपने यहां पे पोस्टपोन हो गया अपने इंडिया के अंदर। और अब यहां पे देखते हैं, हालांकि डेट तो नहीं आई कि कब लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, लेकिन अप्रैल के अंदर ही उम्मीद किया जा रहा है कि जो है Mi 10 जो कि 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा वाला पहला फोन होगा वो होगा Xiaomi का Mi 10। नेक्स्ट बात करते हैं Redmi के ही अपकमिंग फोन के बारे में जो कि होगा Redmi के नंबर वाले सीरीज। अब Narzo जो है 10 और 10A लॉन्च होने वाला है, उसको कॉम्पिटिट करने के लिए, उसके कॉम्पिटिशन में आने के लिए Redmi के जो नंबर वाले सीरीज है Redmi 7, Redmi 8, Redmi 9, तो Redmi 9 जो है इस Narzo सीरीज को कॉम्पिटिशन दे सकता है, जो कि इंडिया में ये भी जो है Redmi 9 जल्दी लॉन्च होने वाला है। हालांकि Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max जो है इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो है Redmi Note 9 का भी वेट किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि Redmi 9 और Redmi Note 9 जो है दोनों ही फोन अप्रैल के अंदर जो है लॉन्च होंगे। तो देखते हैं क्या ये दोनों फोन Redmi 9 और Redmi Note 9 Narzo सीरीज को टक्कर दे पाएंगे, वो देखते हैं लॉन्च के बाद में। नेक्स्ट बात करते हैं Redmi के ही अपकमिंग फोन जो कि है Redmi K30 Pro, लेकिन ये इंडिया में जो है Redmi K30 Pro के नाम से नहीं आएगा, वो आएगा डेफिनेटली कोई रीब्रांड वर्जन बनके, या हो सकता है Poco का X2 Pro हो, या हो सकता है Poco का F2 Pro हो। हालांकि जो है Poco ने ये कंफर्म कर दिया है कि K30 Pro रीब्रांड Poco F2 Pro नहीं होगा या Poco F2 नहीं होगा, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि Redmi का X2 Pro जो होगा ना वो होगा Redmi का K30 Pro, मतलब Redmi का K30 Pro Poco का X2 Pro हो सकता है।
है। नेक्स्ट बात करते हैं सैमसंग के अपकमिंग मॉडल के बारे में, जो कि काफी टाइम से हम ये लीक देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के बारे में, जो कि पंच होल वाला डिस्प्ले है इसके अंदर। अब पंच होल वाला हमने देखा था इन्फिनिटी ओ के साथ में सैमसंग गैलेक्सी एम 40, उसी का ही एक अपर वेरियंट आने वाला है, मतलब उसका एक अपग्रेड वर्जन आने वाला है। अब वो कौन से नाम से होगा, सैमसंग गैलेक्सी एम 41 होगा या सैमसंग गैलेक्सी एम 51 होगा? ज्यादातर उम्मीद की जा रही है कि सैमसंग गैलेक्सी एम 41 होगा। तो सैमसंग भी अपना एक डिवाइस जो है अप्रैल के मंथ में लॉन्च करने वाला है, क्योंकि सैमसंग के हमने एम 21 देख लिया, एम 31 देख लिया, अब एम 41 जो है आने का पूरा चांस है। तो अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2020 में जो है इंडिया के अंदर जो है सैमसंग भी लॉन्च कर सकता है, जो कि काफी अच्छी टक्कर देगा, जो कि होगा रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को, और साथ में टक्कर देगा यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो को, और भी जो है वीवो के कुछ फोन को टक्कर देगा, वीवो Y90 जो अपकमिंग मॉडल है उसको भी जो है टक्कर दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रियलमी के ही एक और अपकमिंग फोन के बारे में। काफी टाइम से टीज हो रहा है कि रियलमी X सीरीज का कोई फोन आने वाला है, रियलमी X सीरीज का कोई फोन आने वाला है। तो फाइनल यहाँ पे बता दूं, रियलमी भी जो है 108 मेगापिक्सल साथ में अब जो है फोन लाने वाला है। अब वो रियलमी X3 प्रो होगा या फिर जो है रियलमी X3 होगा? रियलमी X3 का हालांकि हमने जो है यहाँ पे काफी टाइम से लीक्स देख रहे हैं, तो वहां पे 108 मेगापिक्सल तो नहीं है। अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि रियलमी X2 प्रो का अपग्रेड वर्जन रियलमी X3 प्रो होगा, जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi Mi 10 को टक्कर देगा। अब देखते हैं कि Xiaomi का Mi 10 को टक्कर देने के लिए Realme अपने अपग्रेड वर्जन को जो है कब लॉन्च करता है, कोई डेट अभी तक फाइनल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं Honor के बारे में। तो Honor भी जो है काफी टाइम से वेट कर रहा है कि Honor 9X Pro जो है हम अपने इंडिया में लॉन्च करें, तो काफी टाइम से यार यहाँ पे टीज हो रहा था ये फोन भी। तो यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला Honor 9X Pro भी जो है इंडिया में जो है जल्दी लॉन्च हो सकता है, अप्रैल के लास्ट तक या फिर जो है मई के स्टार्टिंग में जो है आने की पूरी उम्मीद है। तो बस यार ये थे अपकमिंग फोन, जो कि ऑलमोस्ट 10 लिस्ट अपने बताई, लेकिन अगर फोन की क्वांटिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 15 फोन है जो कि यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में जो है लॉन्च होने वाले हैं। जैसे ही ये लॉन्च होंगे हम आपको जो है जरूर से अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, कैमरा रिव्यू सब कुछ देंगे। तो यार बस ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि क्या आप इनमें से किसी फोन का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।